साथियों जय किसान, मैं रवि आजाद। साथियों आज आगामी रणनीति के लिए, आंदोलन के आगामी एक्शन प्लान के लिए संयुक्त किसान मोर्चा की महत्वपूर्ण मीटिंग सिंघू बॉर्डर पे हुई और जो हमारी मांगे हैं और जो आंदोलन की आगामी रणनीति है वो मैं आप सबके साथ साझा कर रहा हूँ। साथियों प्रधानमंत्री द्वारा तीन काले कानूनों की वापसी की घोषणा के बाद हमारा सिर्फ एक मुद्दा कम हुआ है। अभी भी हमारे आंदोलन के लिए जो एक बहुत बड़ी मांग है, एमएसपी का गारंटी कानून, बिजली बिल 2020 की वापसी, पॉल्यूशन कमीशन एक्ट की वापसी, शहीद जो किसानों के परिवार हैं 750 से अधिक परिवारों के पुनर्वास की व्यवस्था और इसी के साथ में देश भर में दर्ज जो फर्जी मुकदमे हैं उनकी वापसी, ये सारी हमारी मांगे हैं। और लखीमपुर खीरी के जो नरसंहार के जो साजिश करता है, गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी की पद से बर्खास्तगी, तीन काले कानूनों की वापसी के साथ हमारी ये मांगे हैं जो अभी बाकी हैं। और साथियों आगामी रणनीति के तहत कल यानी कि 22 नवंबर को लखनऊ में ऐतिहासिक किसान महापंचायत होगी, 24 नवंबर को किसान मसीहा चौधरी छोटूराम जी की जयंती देश भर में मनाई जाएगी, 26 नवंबर को आंदोलन का एक वर्ष पूरा होने पर बॉर्डरों के ऊपर विशेष सभाएं, किसान मजदूर पंचायतें, बड़ी सभाएं, बड़ी संख्या बॉर्डरों के ऊपर पहुंचेगी, देश भर में अलग अलग कार्यक्रम होंगे। और 29 तारीख में हम अपनी मांगों को 29 नवंबर को हम अपनी मांगों को लेकर के ट्रैक्टरों के साथ संसद की ओर कूच करेंगे। इसी के साथ में साथियों 24 नवंबर को कैबिनेट की मीटिंग है जिसके ऊपर संयुक्त किसान मोर्चा की निगाहें बनी रहेंगी। और आज ये भी निर्णय हुआ है कि हम अपनी इन तमाम मांगों को लेकर के प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी लिखेंगे और चिट्ठी में हम अपनी सारी मांगों को लिख करके और प्रधानमंत्री को भेजेंगे। अब आंदोलन का नया नारा है, एमएसपी नहीं तो आंदोलन वहीं। जब तक हम पूरी जीत दर्ज नहीं कर लेते तब तक घर वापसी नहीं होने वाली है। अब आंदोलन और तेज गति के साथ आगे बढ़ेगा, बॉर्डरों के ऊपर ज्यादा संख्या में पहुंचे और सब मिलकर के आंदोलन को एक नई ताकत दें। आगामी कार्यक्रमों की जोरदार तैयारियां करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।